अपने चैनल पे सब्सक्राइबर और व्यूज कैसे बढ़ाएं, एक छोटा क्रिएटर दूसरे छोटे क्रिएटर को किस तरह से मदद करेंगे। कोई भी यूट्यूबर जब वो एक नया चैनल क्रिएट करता है तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही हाई होता है, 1K सब्सक्राइबर का और 4K वॉच टाइम का। ये चीज आप अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल फेंके। मैं तो नाम किसी का नहीं लूंगा, हम जैसे छोटे क्रिएटर, हाँ वही लोग जानेंगे जो यूट्यूब में काम करते, और बिल्कुल प्रूफ के साथ बताऊंगा किस तरह से आप एक न्यू यूट्यूबर से मदद ले सकते हैं। जो न्यू क्रिएटर है उसको ढूंढता हूँ और उसको सब्सक्राइब करता हूँ। हेलो, वेलकम टू जेड टेक ऑफिशियल। आपने तो टाइटल और थंबनेल देख के ही क्लिक किया होगा और समझ भी गए होंगे आज का ये वीडियो न्यू क्रिएटर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। अपने चैनल पे सब्सक्राइबर और व्यूज कैसे बढ़ाएं और अपने चैनल को किस तरह से गेन करें, मैं आपको अच्छे से समझाने का कोशिश करूंगा। वीडियो को बिल्कुल स्किप करके नहीं देखें। अगर आप एक न्यू क्रिएटर हैं तो और आप अपने चैनल को बूस्ट करना चाहते हैं तो, क्योंकि आज का ये वीडियो हेल्पफुल ईच अदर वाला वीडियो है। एक छोटा क्रिएटर दूसरे छोटे क्रिएटर को किस तरह से मदद करेंगे मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इस तरह से मैं भी करता हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल में कर दें, ताकि जो भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। कोई भी यूट्यूबर जब वो एक नया चैनल क्रिएट करता है तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही हाई होता है, और जैसे जैसे डेज वीक मंथ पार होता है तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी लो होने लगता है। जब वो अपना YT स्टूडियो ओपन करके देखता है तो फिर उसके दिमाग में बहुत सारे आइडिया भी आते हैं कि किस तरह से अपने चैनल को बूस्ट करें और किस तरह से YouTube का क्राइटेरिया पूरा करें, 1K सब्सक्राइबर का और 4K वॉच टाइम का, और फिर वो बड़े क्रिएटर से हेल्प लेने के बारे में सोचने लगता है। मैं आपको बता दूं कि भाई कोई भी बड़े क्रिएटर छोटे क्रिएटर को मदद बिल्कुल नहीं करते। ये चीज आप अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल फेंके, क्योंकि मैंने भी ट्राई किया था, रिप्लाई तक भी नहीं आता। मैं तो नाम किसी का नहीं लूंगा, कोई भी बड़े क्रिएटर छोटे क्रिएटर को 0 बराबर वैल्यू नहीं देते। आज आप देख लीजिए मनोज दे, टेक्निकल योगी, स्प्रेडिंग ज्ञान, छोटे से ही बड़े बने हैं, और इनका वीडियो कौन लोग देखता है, हम जैसे छोटे क्रिएटर, और इनका व्यूज कहाँ से आता है, हमसे आता है, क्योंकि जितने भी व्यूज और सब्सक्राइबर सब हमसे आते हैं, हमसे मिले हैं व्यूज भी और सब्सक्राइबर भी। ये जितने बड़े यूट्यूबर अभी बन रहे हैं, ये पहले जब ये छोटे यूट्यूबर थे इनका सब्सक्राइबर और व्यूज हमसे मिले हैं, हम जैसे छोटे क्रिएटर से। मैं आपको एक बात बताऊं, फॉर एग्जाम्पल आप अपने घर में ही किसी से पूछिए, बड़े भाई से या छोटे भाई से या फैमिली में किसी भी मेंबर से, मनोज दे के बारे में, टेक्निकल योगी के बारे में, स्पेडिंग ज्ञान के बारे में, क्या वो जानते हैं इन लोगों के बारे में, तो वो बोलेंगे बिल्कुल नहीं कि ये है कौन। हाँ वही लोग जानेंगे जो यूट्यूब में काम करते हैं। ये बातें मैं क्यों बता रहा हूँ, किस लिए बता रहा हूँ, ये मोटिवेशन है जो छोटे क्रिएटर है उनके लिए। जो भी बड़े यूट्यूबर बने हैं वो पहले छोटे थे तभी जाके बड़े बने। अब मैं अपने मेन टॉपिक की तरफ आता हूँ, चैनल को कैसे बूस्ट करें, किस तरह से चैनल को बूस्ट किया जाता है। जो बात आप लोगों से मैं बताऊंगा बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा और बिल्कुल प्रूफ के साथ बताऊंगा, और कैसे करेंगे वो भी बताऊंगा। तो चलिए मैं आपको डायरेक्ट स्क्रीन पे दिखाता हूँ किस तरह से करते हैं, किस तरह से आप एक न्यू यूट्यूबर से मदद ले सकते हैं, उसका भी चैनल को ग्रो कर सकते हैं और अपना भी खुद का चैनल भी ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए स्क्रीन पे चलता हूँ। सबसे पहले आप एक फेक जीमेल अकाउंट क्रिएट कर लेंगे और उस जीमेल अकाउंट से यूट्यूब ओपन कर लेंगे। अब जो भी फेक जीमेल अकाउंट बनाएंगे उस जीमेल अकाउंट से ही यूट्यूब को ओपन कर लेंगे। और मैं आपको एक चीज बता दूं, आपका जो चैनल का जो नाम होता है ना, नाम को आप ऐसा यूनिक रखेंगे सबसे फर्स्ट में आपका चैनल है। आपको करना क्या है कि जो न्यू यूट्यूबर है, न्यू यूट्यूबर को ढूंढना है। अब देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कितने लोगों को सब्सक्राइब किया है, ठीक है, अब देख सकते हैं। मेरा एक और एक जीमेल अकाउंट बना है मैंने, उसमें भी मैक्सिमम मैंने 40 से 50 लोगों को सब्सक्राइब किया है। आप इस तरह से करेंगे ना तो जो भी व्यूज बनेंगे, जो भी सब्सक्राइबर और व्यूज बनेंगे ना, आपका जेन्युइन बनेंगे, वो लोग आपका वीडियो को देखेंगे। यही लोग तो वीडियो देखते हैं, आपका भी, हमारा भी, और ये बड़े बड़े क्रिएटर का भी, ये दूसरे को नहीं देखते वीडियो, यही लोग हैं जो वीडियो सबका देखते हैं। इसलिए कि YouTube में काम करने वाले हैं ये आपका वीडियो देखेंगे, हमारा वीडियो देखेंगे, और ये बड़े क्रिएटरों का भी वीडियो यही लोग देखते हैं। किस तरह से ढूंढिएगा जो YouTube में नया है जिसका सब्सक्राइबर बहुत कम है,
आप उसको मैसेज करेंगे कि भाई मैंने आपका चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक दूसरे का मदद करें और आप भी अपने चैनल को ग्रो करें और मैं भी अपने चैनल को ग्रो करता हूँ। अब अपने चैनल का लिंक नहीं डालेंगे, किस तरह से देंगे मैं आपको ही बताता हूँ। आप इस तरह से सर्च कर लेंगे, लिख लेंगे, जैसे मान लीजिए एक फॉर एग्जाम्पल है मनोज दे, मैंने यहाँ पर लिख के टाइप किया, ठीक है। आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं, फिल्टर में चले जाना, फिल्टर में आप मोबाइल में देखेंगे कॉर्नर पे वो थ्री डॉट पे क्लिक करना है, थ्री लाइन पे, वहाँ पे फिल्टर में चले जाएंगे। अब फिल्टर में जाने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं लास्ट, फिर उसके बाद जाना है यहाँ पे हम देख सकते हैं चैनल, चैनल पे चले जाना है। इस नाम से जो भी चैनल बना है मनोज दे का नाम से जो भी चैनल बना ये सारा आपको आ जाएगा, जो भी नया है आप देख सकते हैं, बिल्कुल आप देख सकते हैं मनोज दे 2.1 कितना सब्सक्राइबर 49। चलिए मैं इसी को ओपन कर लेता हूँ, इसको ओपन कर लिया। जो उसने आज वीडियो डाला या एक घंटा पहले वीडियो डाला उस पर जाना है, उसको क्लिक करना है, उसके वीडियो को थोड़ा देखना है, ठीक है। इस तरह से कर लेंगे, वीडियो को थोड़ा करना है, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, अब इस तरह से कर लीजिए, ठीक है। और किस तरह से मैसेज लिखेंगे मैं आपको बताता हूँ, अब इस तरह से करेंगे। और एक आपका जो चैनल का जो नाम है ना वो थोड़ा यूनिक होना चाहिए और वहाँ पे आप लिख सकते हैं, जैसे मान लिया जाए, चलिए मैं आपको यहाँ पे लिख के मैं दूँगा, इस तरह से आप अपने चैनल का कुछ इससे पहले जो मैंने बताया वो आप लिख सकते हैं कि भाई मैंने आपका चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इस तरह से एक दूसरे का हेल्प हो जाएगा और आप भी अपने चैनल को ग्रो करो और मैं भी अपने चैनल को ग्रो करता हूँ। यही लोग हैं जो आपके वीडियो को भी देखते हैं, मेरे वीडियो को भी देखते हैं और बड़े क्रिएटर का भी वीडियो यही लोग देखते हैं। ये जो भी रहेगा ना जेन्युइन सब्सक्राइबर और जेन्युइन व्यूज भी रहेगा, ये बहुत ही अच्छा है। आप इस तरह से जैसे मान लीजिए मेरे चैनल का नाम है, हैशटैग देंगे और यहाँ पे बिल्कुल स्मॉल लेटर में लिखेंगे, ठीक है, स्मॉल लेटर में लिखना है। इस तरह से आप कर सकते हैं, इस तरह से करेंगे ना, आप यहाँ पे लिखेंगे जैसे इस तरह से कर दिए, अब यहाँ पे आपका लिंक चला गया, जिस तरह से मैंने बताया आप उस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पे जैसे कोई क्लिक करेगा डायरेक्ट आपके चैनल पे जाएगा, जैसे मैंने आपको यहाँ पे क्लिक करके दिखाया, यहाँ पे जो भी आएगा मेरे चैनल पे आएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं लिखा लिख के आ गया ये मेरे चैनल का नाम, यहाँ पे देख सकते हैं जो भी आया मेरा चैनल आया यहाँ पे। अब जो भी देखेगा मेरे चैनल देखेगा वो भी सब्सक्राइब कर देगा, जिस तरह से आपने उसके चैनल को सब्सक्राइब किया इस तरह से वो भी आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देगा। दो जीमेल अकाउंट बना लें, जीमेल अकाउंट फेक जीमेल अकाउंट जो आपको उतना यूज़ नहीं होता, उसी अकाउंट यूज़ करके आप उसी अकाउंट से सबको सब्सक्राइब कर लें, सबको मैसेज किए, सबको मेल कीजिए, सबको मैसेज कीजिए, ठीक है, उसी अकाउंट से। और इस तरह से आप सब्सक्राइबर और व्यूज दोनों बढ़ा सकते हैं। मैंने कम से कम 50 से ऊपर लोगों को सब्सक्राइब किया है, 50 में से कम से कम मुझे 10 से 12 लोग सब्सक्राइब किए होंगे, मैंने आप लोगों का चैनल को सब्सक्राइब किया है, आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, आप भी अपने चैनल को ग्रो करो और मैं भी अपने चैनल को ग्रो करता हूँ। चलिए मैं आपको अपने चैनल में भी दिखाता हूँ कितने लोगों को मैंने सब्सक्राइब किया भी है। जैसे यहाँ पे चले जाएंगे डैशबोर्ड में, डैशबोर्ड में जाने के बाद यहाँ पे नीचे आ जाएंगे, ठीक है, देखिए आप देख सकते हैं आप रिसेंट सब्सक्राइबर मार सकते हैं यहाँ पर नीचे, आप देख सकते हैं सबको मैंने सब्सक्राइब किया, सबको, सब लोगों ने मुझे सब्सक्राइब भी किया, मैंने भी सबको सब्सक्राइब किया। आप इस तरह से बढ़ा सकते हैं, इस तरह से अपने चैनल का, इस तरह से आप जेन्युइन सब्सक्राइबर और जेन्युइन व्यूज भी ले सकते हैं, आप बिल्कुल इस तरह से कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अपने चैनल पे डिस्क्रिप्शन में आप एक चीज़ काम करेंगे, आप हैशटैग करके कम से कम 5 से 10 वीडियो में हैशटैग अपने चैनल का जो नाम रहेगा वो डाल के आप डाल देंगे, कम से कम 10-12 वीडियो में डाल देंगे, ताकि जो भी ओपन करेगा तो वीडियो खुलेगा, जो बड़ा बड़ा वीडियो है, जो लंबा वीडियो है, ताकि आपका वॉच टाइम भी बढ़े, इस तरह से वॉच टाइम भी बढ़ेगा आपका। और कम से कम 5 से 10 वीडियो में आप इस तरह से हैशटैग और अपने चैनल का नाम इस तरह डाल के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे ना, तो जो भी क्लिक करेगा तो डायरेक्ट आपका वीडियो में जाएगा। ये बहुत ही अच्छा ट्रिक है और 100% काम करता है। मैंने 40 से 50 लोगों को सब्सक्राइब किया है, 40-50 में से मुझे कम से कम 10-12 लोग सब्सक्राइब किए हैं। जो लोग मुझे सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जो 40-50 में से 10-12 किए हैं और बाकी जो लोग नहीं किए हैं, मेरे वीडियो को देख भी रहे हैं और मेरे वीडियो में व्यूज़ भी आ रहे हैं, मतलब फ़ायदा है आपको, 100% तो नहीं मगर हाँ 90% फ़ायदा है। हो सकता है कि कर दें, आज नहीं करेंगे तो कल कर देंगे। मैंने तो सब्सक्राइब कम से कम 50 लोगों को किया, मैं किसी को अनसब्सक्राइब नहीं करूँगा भाई, पैसे नहीं लगते किसी को सब्सक्राइब करने में, पैसे नहीं लगते। मैंने जिस तरह से आपको भी बताया आप उस तरह से करेंगे तो आपको जेन्युइन सब्सक्राइबर और जेन्युइन व्यूज मिलेंगे, यही लोग हैं
जो आपके वीडियो को और हमारे वीडियो को, आपके वीडियो को और मेरे वीडियो को भी देखते हैं, और बड़े क्रिएटर के वीडियो को भी यही लोग देखते हैं, दूसरा कोई नहीं देखता। जो भी यूट्यूब में काम करते हैं, जो यूट्यूबर हैं, वही लोग यूट्यूबर का वीडियो देखते भी हैं, चाहे वो बड़े हों या छोटे हों। कम से कम 5 से 10 वीडियो में हैशटैग लगा करके अपना चैनल का नाम उसमें लिख देंगे, ताकि जो भी उस क्लिक करे तो डायरेक्ट आपके वीडियो में जाए। और आपका वीडियो लंबा होना चाहिए, कम से कम 8 से 10 मिनट का वीडियो लंबा हो, ताकि आपका वॉच टाइम भी बढ़े और सब्सक्राइबर बढ़े, दोनों बढ़े। अब 1-2 मिनट का वीडियो उसे रहेगा, 3 मिनट का वीडियो रहेगा, तो उसमें आपका वॉच टाइम सब्सक्राइबर तो बढ़ जाएगा मगर वॉच टाइम आपका रह जाएगा। तो वॉच टाइम बढ़ाने के लिए कम से कम 10 से 12 मिनट का वीडियो आपका होना चाहिए। इससे क्या है कि आपका वॉच टाइम भी इंक्रीज होगा। जो न्यू क्रिएटर है उसको ढूंढता हूँ और उसको सब्सक्राइब करता हूँ और उस पर मैसेज लिख करके भेजता हूँ कि भाई मैंने आपके चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इससे क्या है कि एक दूसरे का हेल्प हो जाएगा, आप भी अपने चैनल को ग्रो करो और मेरा भी चैनल ग्रो होगा। देखिए सब्सक्राइब करने में क्या है, किसी को पैसे लगते हैं नहीं। मैंने 50 से 60 लोगों को सब्सक्राइब किया, उसमें से 10-12 लोग ही हैं जो मुझे सब्सक्राइब किए, मैंने फिर भी किसी को अनसब्सक्राइब नहीं किया, क्या फ़ायदा, पड़े रहेंगे उसे। नोटिफिकेशन आता है जब मैं लैपटॉप अपना ओपन करता हूँ, नोटिफिकेशन आता है, वीडियो को देखता हूँ, लाइक करता हूँ बस। किसी का वीडियो देख लेने से भलाई होगा, किसी को सब्सक्राइब करने से भलाई होगा। आप एक हाथ से दो, दूसरे हाथ से लो। आपने सब्सक्राइब किया, आप भी सब्सक्राइबर बढ़ाओ, ये बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है, आप इस तरह से कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल में कर दे, ताकि जो भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए चलता हूँ, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम।